हेलो बच्चे, सभी का हिंदी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनका और 6th क्लास का, 7th क्लास का और 8th क्लास का सभी बच्चों का मैं मनोज कुमार हिंदी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था बच्चों, विशेषकर रूप से 10th वाले ध्यान देंगे, और ध्यान तो सबको देना है लेकिन विशेष कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि तीन टॉपिक का एक ही प्रश्न आता है। तीन टॉपिक थे हमारा, सबसे पहले कारक, दूसरा था काल और तीसरा है बाद। यानी इन तीनों को मिलाकर एग्जामिनर एक ही प्रश्न पूछता है और प्रत्येक जो टॉपिक है वो एक नंबर का होता है। इसमें से पहला टॉपिक यानी कि कारक हम पढ़ चुके थे, गलत और आशा करता हूँ सभी बच्चों के कारक का जो प्रकरण था वो बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब जितना हो सके आप बच्चे अभ्यास करने की कोशिश करें, ठीक है। आज हम जो नया टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं वो सामान्य सा टॉपिक है, हर लैंग्वेज के अंदर आप इसको पढ़ते हैं, हिंदी में भी इसको पढ़ा जाएगा। यानी दूसरे नंबर का टॉपिक है आपका काल, और इसका भी आपका जो प्रश्न आएगा वो एक नंबर का आएगा। सम्मिलित रूप से एक सेंटेंस दे देगा, सेंटेंस में आपसे पूछा जाएगा, एक वाक्य दे दिया उसमें आपसे पूछा जाएगा प्रयुक्त वाक्य में कौन सा कारक, कार और वाच्य, एक वाक्य दे दिया और वाक्य के अंदर तीनों प्रश्नों को पूछा जाएगा। कार तो कार के बारे में सामान्य वाच्य प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि हिंदी में कार या समय, अंग्रेजी में टाइम्स, ऐसी टाइम्स, अंग्रेजी में टाइम्स कहते हैं और हिंदी में कार कहते हैं। और सामान्य रूप से जो काल का पर्याय लिया जाता है वो समय से लिया जाता है, लेकिन व्याकरण के अंदर काल का जो अर्थ होता है थोड़ा भिन्न होता है। यानी देखिए, व्याकरण में क्रिया के होने वाले समय को हम काल कहते हैं। यानी आपने इंग्लिश में भी पढ़ा है, इंग्लिश में आपने देखा होगा कि क्रिया के रूप से ही हमको पता लगता है कि हम यहाँ प्रेजेंट का उपयोग कर रहे हैं, पास्ट का उपयोग कर रहे हैं, फ्यूचर का उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे ही हिंदी में भी हमें ये ध्यान रखना है कि क्रिया के जिस रूप से, क्योंकि देखिए समय के अनुसार क्रिया बदल जाती है, तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय, यानी क्रिया कब संपन्न हुई, वर्तमान में हुई, भूत में हुई या भविष्य में होगी, तो क्रिया के जिस रूप से हमें उसके होने का समय पता लगता है तो उस रूप को क्रिया का काल कहते हैं। उस आधार पर सामान्य सी चीजें इंग्लिश में भी आपने पढ़ा है कि काल तीन प्रकार के होते हैं, संस्कृत में भी आपने पढ़ा होगा कि काल तीन प्रकार के होते हैं, और हिंदी में भी काल तीन प्रकार के होते हैं। पहला काल भूतकाल आता है, दूसरा वर्तमान काल आता है और तीसरा भविष्य काल आता है। इंग्लिश में आप सभी बच्चे बड़े उत्साह बच्चे हैं, आपको पता है भूतकाल को पास्ट कहते हैं, ठीक है, वर्तमान को प्रेजेंट कहते हैं और भविष्य को फ्यूचर कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपने इंग्लिश में पढ़ी होगी, इंग्लिश में आपने भूतकाल को पास्ट पढ़ा है, वर्तमान काल को प्रेजेंट पढ़ा है और भविष्य काल को फ्यूचर टेंस पढ़ा है। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं इनमें से पहला काल आपका आएगा वो आपका होगा, सबसे पहले इसकी परिभाषा। परिभाषा आपको हर टॉपिक की याद रखनी है, एक बार एग्जाम में रोज एग्जाम्पल में नहीं दे, प्रश्न ही पूछ ले, परिभाषा जरूर याद रखना, ठीक है। तो क्रिया के होने वाले समय को काल कहते हैं। अब इसके बाद इसके तीन भेद होते हैं, यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज
मर चुका है, यानी जो खत्म हो चुका है, जो व्यतीत हो चुका है, जो गुजर चुका है, उसको हम क्या कहते हैं? भूत कहते हैं। भूतों की कहानी सुनकर अच्छे अच्छे के पसीने आ जाते हैं। भूत को सजीव देख ले, यानी अपने सामने देख ले ना, तो आदमी वहीं बेहोश हो जाता है। तो भूत का मतलब होता है जो बीत चुका है, जो इतिहास बन चुका है, उसको अपन कहते हैं भूत। इतिहास जिसका हास हो चुका है, यानी जो समाप्त हो चुका है, उसको हम कहते हैं भूत। उसको क्या कहते हैं? भूत कहते हैं। आज हम भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से आपके समझ में आएगा। जिस तरह से पास्ट टेंस इंग्लिश में यूज किया जाता है, ऐसे ही हिंदी में भूतकाल कहते हैं उसको, और उसका भी वही उपयोग है जो आपके पास का इंग्लिश में होती है। ठीक है ना? ठीक है, आप बच्चों के समझ में आया होगा। Thank you।
लेकिन अब इन तीनों वाक्यों को अगर देखें, अकबर ने पुस्तक पढ़ी, अब ये नहीं पता
हमने पुस्तक अभी पढ़ी है वो समय पहले पढ़ी तो है यानी पढ़ने का काम समाप्त हो चुका है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो रहा कि अकबर ने पुस्तक आज पढ़ी यानी कुछ समय पहले, आज तो नहीं पढ़ेगा वर्तमान हो जाएगा, यानी कुछ समय पहले पढ़ी या बहुत लंबे समय पहले पढ़ी, ये स्पष्ट नहीं हो रहा। समय की स्पष्टता न होने के कारण यानी कि उसको पढ़े हुए अधिक समय हुआ है या कम समय हुआ है। अविनाश ने गाना गाया, गाना उसने कम समय पहले गाया है से बहुत समय पहले गाया है, ये स्पष्ट नहीं हो रहा। वे बाजार गए, बाजार गए अभी कुछ समय पहले की गए यानी उन्हें गए हुए कुछ समय ही व्यतीत हुआ है या अधिक समय व्यतीत हुआ है, ऐसी स्पष्टता न होने के कारण ये सामान्य विकार में आएंगे। इसके बाद पहचान के लिए मैंने बता दिया कि आपको अंत में ये तीन मात्राएं मिलेगी और कुछ लगा हुआ नहीं मिलेगा तो वहाँ आपका सामान्य भूतकाल होगा। नेक्स्ट भूतकाल के बारे में अपन पढ़ते हैं तो नेक्स्ट भूतकाल होता है आपका दूसरा नंबर का आसन्न भूतकाल। ठीक है, आसन्न भूतकाल को अगर देखा जाए आसन का मतलब होता है निकट। नेक्स्ट भूतकाल का जो रूप आता है दूसरे नंबर पर वो आता है आसन, आसन भूतकाल। क्लियर, अब आसन का अर्थ होता है निकट, आसन का अर्थ क्या होता है निकट। अब निकट का मतलब होता है कुछ समय पहले यानी इसमें क्रिया का जो रूप होता है उस क्रिया से ये प्रकट होता है क्रिया, क्रिया के जिस रूप से जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का क्रिया के व्यापार की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का कुछ समय पूर्ण होना उस समय पूर्व पूर्ण होना पूर्ण होना पाया जाता है वहां आसन भूतकाल होता है, आसन भूतकाल होता है। यानी कि उसमें तो हमको ये नहीं पता लग रहा था कि समय किसी कार्य को हुए समय कुछ हुआ है यानी कुछ समय पूर्व हुआ है अधिक समय पूर्व हुआ है, लेकिन आसन भूतकाल में क्रिया के होने का समय हमें पता रहता है कि क्रिया जो है अभी कुछ समय पहले समाप्त हुई है। और इसमें पहचान के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो सामान्य भूतकाल था यानी आपके वाक्य के अंत में आ ई और ए आए थे उनके साथ आपको आ है यानी है लगा मिलेगा है या है, ये दो चीज ध्यान रखनी है या है लगा हुआ मिलेगा यानी ये पहचान है। इनके साथ सामान्य भूतकाल के साथ या तो है मिलेगा या है मिलेगा। क्लियर, कैसे आप उससे कंफ्यूज नहीं होना कि है जो आता है वो तो सब प्रेजेंट में आता है, नहीं यहाँ पर भूतकाल का रूप दे रखा है और भूतकाल के रूप के साथ अपन है और है लगा रहे हैं। जैसे देखिए मैंने अभी बात के लिखा था कि अविनाश ने गाना गाया। अब ये तो हो गया सामान्य भूतकाल आ रहा है लेकिन ए लगा दिया तो अब ये निकट समय को बता रहा है समीप के समय को बता रहा है पर ऐसे स्पष्ट हो गया कि आ है आ रहा है तो आ है आने के कारण आ के कारण सामान्य भूतकाल और है के कारण निकट भविष्य को बता रहा है तो ऐसी स्थिति में आसन्न भूतकाल होगा। कौन सा भूतकाल होगा? आसन्न भूतकाल होगा। क्लियर बच्चों, है ना? जैसे मैंने लिखा राम ने पुस्तक पढ़ी। अब पढ़ी शब्द रहता जब तक
सामान्य बुक था, लेकिन मैंने है और जोड़ दिया, पढ़ी है। अब यह स्पष्ट हो गया कि उसी ने अभी अभी कुछ समय पहले पुस्तक पढ़ी है, तो यहाँ आ है आ रहा है, आ है के कारण यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि ये किस रूप का है, आसन्न भूतकाल। तो इस तरह से आप आसन्न भूतकाल को आसानी से पहचान सकते हैं कि आसन्न भूतकाल में क्या होता है, कि है जुड़ जाता है सामान्य भूतकाल के साथ। नेक्स्ट इसका भेद जो पढ़ते हैं वो आपका आ जाता है तीसरा पूर्ण भूतकाल, जिसको आप इंग्लिश में परफेक्ट कहते हो, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। तीसरा आपका आ जाता है पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। अब पूर्ण भूतकाल में आपको ध्यान रखना है क्या होता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में देखिए सामान्य सी बात है, पूर्ण माना होता है पूरा होना, परफेक्ट का मतलब क्या होता है पूर्ण, परफेक्ट का मतलब पूर्ण। वही चीज है इसमें भूतकाल की क्रिया हो गई, क्रिया के परिभाषा क्या बनी, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का, क्रिया के व्यापार का बीते हुए समय में अपूर्ण भूतकाल को देखें। नेक्स्ट चौथा आपका आ जाता है अपूर्ण
ये है अपूर्ण अपूर्ण गुप्ता। तो चौथे वेद का अगर अपन देखें अपूर्ण गुप्ता क्या होता है, तो अपूर्ण गुप्ता को समझने का प्रयास करें तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का बीते हुए समय में क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का बीते हुए समय में पूर्ण होना न पाकर बीते हुए समय में पूर्ण होना न पाया जाए अर्थात क्रिया भूतकाल में निरंतर हो रही हो। ठीक है, अपूर्ण एक तरह से आप कंटिन्यूअस टेंस मान लीजिए, जिस तरह से आप इंग्लिश में कंटिन्यूअस को पढ़ते हो, कंटिन्यूअस में क्या होता है, क्रिया जो होती है वो लगातार चलती रहती है, दिए गए समय पर जब उसके बारे में बताया गया होता है तो उस समय वो पूर्ण नहीं होती और ना ही ये पता लगता है क्रिया कब समाप्त होगी, उस समय वो क्रिया चल रही होती है। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का बीते हुए समय में पूर्ण होना न पाया जाए अर्थात क्रिया भूतकाल में निरंतर हो रही हो और उसके होने का समय निश्चित न हो और ना ही उसके समाप्त होने का तुम्हें निश्चित पता हो समय, तो ऐसी स्थिति में आपका कौन सा होगा, अपूर्ण भूतकाल होगा। और जैसे एग्जाम्पल इसमें पहचान के लिए आपको ध्यान रखना है, एक तो रहा जो कि कंटिन्यूअस में रहा है, कंटिन्यूअस जिसके हिसाब से रहा था भूतकाल है तो रहा था रही थी, ठीक है रहे थे ये आ जाते हैं, या इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है था टी थी और एक थी, ये शब्द क्रिया के साथ आपको मिलेंगे। पहचान के लिए आपको ध्यान रखना है, जैसे उन्हीं वाक्यों को लिखे अपन अगर सामान्य भूतकाल के राम गाना गा रहा था। अब इसमें देखिए स्पष्ट आपको दिख रहा है कि इसमें हमें ये नहीं पता लग रहा कि गाने का काम तो हो रहा था लेकिन हमने जब देखा उस समय वो समाप्त नहीं हुआ था, रहा था यानी निरंतरता का भाव है। तो ऐसी स्थिति में आपका कौन सा टेंस होगा भूतकाल का होगा, लेकिन भूतकाल के साथ कौन सा भूतकाल होगा उसका उपभेद अगर अपन देंगे कौन सा होगा, अपूर्ण भूतकाल होगा। कौन सा होगा बच्चों, अपूर्ण भूतकाल होगा। क्लियर आया, एक और एग्जांपल इसमें बता देता हूं आपको, हेमंत पुस्तक पढ़ता था, ठीक है हेमंत पुस्तक पढ़ता था, जब हमने हेमंत को देखा उस समय वो पुस्तक को पढ़ता था यानी उस समय वो कार्य चल रहा था पूर्ण नहीं किया, पढ़ता था ठीक है। तो ता के साथ था रहा है, ऐसी स्थिति में आपको तुरंत पहचान लेना है कौन सा टेंस है, टेंस का कौन सा रूप है, अपूर्ण भूतकाल। कौन सा टेंस है, अपूर्ण भूतकाल। तो इस तरह से आपके जो है भूतकाल के कितने भेद हो चुके हैं, चार भेद हो चुके हैं। नेक्स्ट दो भेद आपके इसके भूतकाल के बचते हैं जिनको अगले वीडियो में आपको समझाया जाएगा, तब तक के लिए आप इन चार भेदों का घर पर जितना हो सके अभ्यास करें, जितना इनको समझना चाहे उसको समझने की कोशिश करें, कोई भी समस्या इन चार भेदों में आपको आती है तो आप मुझसे संपर्क करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आप इन चार भेदों को बिल्कुल अपने दिमाग में फिक्स करें, मैंने जो पहचान आपको बताई थी पहली पहचान मैंने आपको बताई थी, यानी अगर सामान्य भूतकाल आता है तो सामान्य भूतकाल में आपको ध्यान रखना है आ ई और ये क्रिया के साथ मिलेंगे, आसन्न भूतकाल में आता है आसन्न भूतकाल में आ
जुड़ जाएगा। अगर मान लीजिए पूर्ण भूतकाल मिलता है तो पूर्ण भूतकाल में आपको ध्यान रखना है था, थी और थे, इसके साथ सामान्य भूतकाल के साथ अपूर्ण मिलता है, अपूर्ण के साथ आपको ध्यान रखना है रहा, था, रही थी और रहे थे, ये भी लिखे सामान्य के साथ। और पूर्ण भूतकाल हो चुका अपूर्ण तो इस तरह से या था, थी, थे, ये रूप में लिखे। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से आपको इसका अभ्यास करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके और बचे हुए भेदों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप उनका अभ्यास करें और समझने का प्रयास करें। कोई भी समस्या अगर आपकी रहती है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है।